टॉप फोर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अराउंड 16,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के शौकीन हैं या फिर आप एक सोशल मीडिया लवर हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ ऐसे चार कमाल के स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। पर दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमने जितने भी स्मार्टफोन्स को पिक किया हुआ है, सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको इसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाकर के वहां से इन्हें चेकआउट और परचेस कर सकते हैं। फिर दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम पर देख सकते हैं रियलमी का 9 4G। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही में फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1000 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको यहां पर दी। तो डिस्प्ले बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में आपको यहां पर 3 कैमरास देखने को मिलते हैं, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, और यहां पर आपको सैमसंग का लेटेस्ट HM6 वाला सेंसर भी दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी स्नैपर मिलता है। कैमरा सेटअप फोन का यहां पर अच्छा है। डे लाइट में फोटोज भी आपको यहां पर काफी तगड़ी देखने को मिलती हैं। वहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहां पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि आपको इस बजट के अंदर डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2,75,000 के आसपास स्कोर करता है, जिसके मतलब कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस डिसेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर UFS 2.2 वाली स्टोरेज और LPDDR4X की रैम भी मिल जाती है, सो बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट निकाल कर दे देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट। साथ ही साथ ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 के रियलमी UI 3.0 पर, तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और ऑप्टिमाइजेशन भी काफी कमाल की गई है, सो अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहें तो इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए अभी आपको देने पड़ेंगे 14,599 रुपये। बढ़ते आगे दोस्तों और बात करते हैं अगले फोन की। अगला जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ना केवल बैक कैमरा बल्कि सेल्फी कैमरा के लिए भी काफी अच्छा है, और ये फोन है यहाँ पर वीवो का T1 5G। दोस्तों बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आती। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल आपको मिलती है, पैंडा ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, लगभग 550 निट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और दोस्तों ये सैमसंग का JN1 वाला सेंसर है, साथ ही में 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आती हैं, इवन दोस्तों सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आपको फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि नाइट मोड वगैरह भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, साथ ही साथ फोन के अंदर आपको एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,20,000 के आसपास स्कोर भी करता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे दोस्तों इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, साथ ही में ये फोन 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, हाइब्रिड स्लॉट का ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको मिलता है फनटच OS 12। और हाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको सिर्फ 2 ही 5G बैंड्स दिए गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही इंडिया में सपोर्ट है, तो यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए भी कंसीडर करना चाहें तो भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,990 रुपये। दोस्तों अब बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें कैमरास के साथ साथ में एक तगड़ा सा ऑलराउंडर टाइप का पैकेज चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं पोको का X4 Pro। फोन पूरी तरह से आपको ग्लास बिल्ड पर मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और डिजाइन भी आपको यहां पर काफी अच्छा दिया गया। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1200 निट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो इसके अंदर बहुत अच्छी दी गई है।
कैमराज की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर तीन कैमराज मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको मिलता है 6 NM बेस Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको लिक्विड कूलिंग चैम्बर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस आपको काफी कमाल की निकाल कर देता है। ये स्मार्टफोन भी अंततः पर लगभग 400,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4 XC RAM और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो इस बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 67 वॉट की हाइपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। वैसे दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर फोन है, अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 64 के लिए इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ 14,999 रुपए पे करने पड़ेंगे, और भाई इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली अनबीटेबल फोन है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसके आखिरी फोन की तो मेरे हिसाब से सैमसंग की तरफ से आपको सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन मिलती है कैमरा परफॉर्मेंस में, और ये फोन यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F23। फोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे हैं। साथ ही अगर हम फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली TFT LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 500 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टर्न सैंपलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ठीक ठाक मिलेगी, और साथ ही आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी मिलता है। रही बात फोन के कैमरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर तीन कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप यहाँ पर ठीक है और आउटपुट भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है अप टू 30 FPS। सो फोन का कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 8 NM बेस Qualcomm Snapdragon 750G का चिपसेट, जो कि थोड़ा सा पुराना चिपसेट है, लेकिन अभी भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अंततः की बात करें तो ये स्मार्टफोन लगभग 300,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी देगा ही, साथ ही साथ आप यहाँ पर अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4 XC RAM और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, पर आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, आपको एडेप्टर को अलग से परचेस करना होगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी यहाँ पर अच्छा है। रही बात यहाँ पर स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, साथ ही एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी आपको यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों ये फोन भी अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो अगर आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेने में इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको अभी देने होंगे लगभग 14,000 रुपए। सो फाइनली दोस्तों ये थे वो चार स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 16,000 रुपए की प्राइस पर। और बात करें कि आपको कौन से फोन की तरफ देखना चाहिए तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं, यानी कि अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी F23 को कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। पर अगर आप यहाँ पर 1080p से खुश हैं और आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी बाकी सारे फोन्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पोको का X4 Pro जो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर दे देगा, साथ ही साथ वीवो का T1 5G जो कि आपको लो लाइट पे भी अच्छी फोटोज देगा और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देगा। रही बात रियलमी 9 4G की दोस्तों तो ये फोन आपको कैमरा परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी निकाल कर देगा ही, लेकिन फोन की जो परफॉर्मेंस दोस्तों वो डिसेंट है। पर अच्छी बात यह है कि मल्टीमीडिया के लिए अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा, सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको इसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाकर के उन्हें वहां से चेकआउट और परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।